जो बढ़िया बढ़िया भक्त होते हैं, कहते हैं ये कनिष्ठ भक्त कौन, सबसे छोटे भक्त कौन, कहते जिनका भक्ति तक कर रहे हैं लेकिन जिनका भक्ति डामाडोल है, जिसका भक्ति डामाडोल भक्ति है, कभी भक्ति करते हैं कभी भक्ति करते नहीं, कभी इच्छा हो गया तो माला कर लिया, कभी इच्छा हुआ तो माला किए, माला जहाँ तहाँ रही है, जिनकी भक्ति स्थिर भक्ति नहीं है, दृढ़ भक्ति नहीं है, उसको कहते हैं सबसे नीचा भक्त है, हैं? कहते हैं उससे बड़े मध्यम भक्त कौन है, कहते मध्यम भक्त उसे कहते हैं जो अपना भजन साधन ठीक ठीक से कर लेता है, रोज़ रोज़ सवेरे उठते हैं, अपना तिलक लगाएंगे, अपना गुरु मंत्र जप करते हैं, हरिनाम जप करेंगे, ठाकुर जी आरती करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रोज़ रोज़ गीता हो, भागवत हो, रामायण रोज़ रोज़ कुछ पढ़ेंगे, जो अपना भक्ति को ठीक ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों को ठीक से समझा नहीं पाते हैं, लेकिन अपना भक्ति ठीक से कर लेते हैं, कहते उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त, कहते जिनका भक्ति तो पक्का है, स्वयं भजन में एकदम परिपक्व है, अपना भजन साधन को जो दृढ़ रूप में कर लेता है, लेकिन उसका अंदर में इतने समर्थ है जो दूसरों को भी जो समझा दे, अपना भक्ति स्वयं भी भक्ति ठीक से करे और दूसरों को भी अगर कोई तर्क वितर्क कोई कोई प्रश्न करे, अपना भक्ति तो कर ले लेकिन दूसरों को भी भगवान की भजन में जो प्रेरणा दे सके, दूसरों को भी भगवान की भजन में जो लगा दे, उनको बताया ये उत्तम भक्त है, ये उत्तम भक्त है, ऐसे नहीं हम भक्ति कर रहे हैं, किसी ने आकर के थोड़ी सी इधर उधर से हमें चुगली कर दी, थोड़ी सी बात कर दिया तो बात अपना भक्ति भक्ति छोड़ दी, अपना भजन भजन को छोड़ दे, जैसे मीरा भजन कर रही थी, आपको पता ही बच्चे को पास में रखो, किसके बच्चे, इसको पीछे लेकर बैठो, नहीं तो ये कथा सुनने नहीं देगा, इसको पीछे लेकर बैठ जाओ, इसलिए कहते जैसे मीरा है, आपका मीरा का नाम सुने होंगे, लेकिन आप सुनना जो मीरा अपना भजन तो करती थी लेकिन उसको ऊपर में कितने विपत्ति आई, लेकिन मीरा ने क्या भजन छोड़ दी, प्रहलाद के ऊपर में उसको पिता ही मारने के लिए कोशिश किया है, पहाड़ से ऊपर से फेंक दिया, जलते हुए आग में फेंक दिया, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद ने क्या भजन छोड़ दिया, जैसे हरिदास ठाकुर जी जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, उनको 22 बाजार में पिटाई हो गई, चमड़ा उतर गई, लेकिन जितने जोर जोर से मार रहे थे ना, वो उतना जोर जोर से एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से हरि नाम कर रहा था, लेकिन उसने अपना प्रभु का भजन को सुने त्याग नहीं दिया, प्रभु का भक्ति नहीं त्याग दिया, कहते इनको कहते ये उत्तम भक्त है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसलिए हमें क्या बनना, हमें कनिष्ठ नहीं बनना, छोटे नहीं बनना, मध्यम नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें उत्तम भक्ति बनना, मतलब किसी स्थिति में भी भगवान की भक्ति गुरु वैष्णव को त्याग नहीं करनी चाहिए, इसलिए अपना संप्रदाय का जो विचार है हमें अच्छे तरह से अपना संप्रदाय का विचार हमें समझनी चाहिए, हैं समझनी चाहिए, नहीं तो इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हैं कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस, जो थोड़ी सिद्धांत जो विचार उसमें अलसता मत करो, बोले क्यों, बोले जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, जिसको द्वारा तुमको भगवान में दृढ़ मन लग जाए, मन तुम्हारी दृढ़ रूप में मन लग जाए, इसलिए भक्ति से जो कभी डामाडोल कभी नहीं होते हैं उसको उत्तम भक्त कहते हैं, उसको उत्तम भक्त कहते हैं, इसलिए हमें शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, इसलिए देखो चार ही वैष्णव संप्रदाय, देखो ये चीज़ को अच्छी तरह समझो, कुछ लोग बहक रहे हैं, इसलिए ये पद्म पुराण में बताया चार ही वैष्णव संप्रदाय कितना है, चार, बोले वो क्या किया, बोले एक श्री संप्रदाय जिसमें माँ लक्ष्मी से आई है,
जिसमें आचार्य रामानुज बने। दूसरा संप्रदाय है जो हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो हमारी संप्रदाय जिसमें आए, जिसमें मध्वाचार्य हुए हैं। जो तीसरा संप्रदाय हुए हैं कहते श्री विष्णु स्वामी, जिसमें श्री वल्लभाचार्य आदि हैं, विष्णु स्वामी अभी बड़े बड़े संत जिसमें आए हैं। और चौदह संप्रदाय हुए हैं ब्रह्मा की मानस पुत्र, ये चतुसन सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, इसको अच्छे तरह समझो। और जिसमें श्री निम्बादित्य आए, ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये चार वैष्णव संप्रदाय। इसलिए पद्म पुराण कहता है अगर कलयुग में भगवान को अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं, कहते ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय में हमें दीक्षा मंत्र लेनी चाहिए। शास्त्र गारंटी देता है एक दिन तुम जरूर भगवान के पास में पहुँचो, जरूर पहुँचो। क्यों? तुम जिस लाइन में खड़े हो वो लाइन तुम्हारी पक्का लाइन है, सही लाइन में खड़े हो। जैसे देखो हमारी जो संप्रदाय, इसको कहते ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये सर्वप्रथम भगवान, भागवत सुने होंगे, जब भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, उन्होंने पानी ही पानी देखा और कुछ दिखाई नहीं। कमलनाड में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब ऊपर उठे त और प, ये दो शब्द सुने, बोले तपस्या कर। जब उन्होंने तपस्या की फिर भगवान ने कहते ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यांच तदगंच गृहणम कदितमय। भगवान ने ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसी ज्ञान से दुनिया को सृष्टि की। जैसे हमारी संप्रदाय में हम लोग जो गोपाल मंत्र जप करते हैं, काम गायत्री गोपाल मंत्र, ये मंत्र कहाँ से मिला? मंत्र ये पहले भगवान से, ये ब्रह्मा जी को मिला। फिर ब्रह्मा जी किसको दिया? बोले अपना बेटा नारद जी को दिया। फिर नारद जी इसको किसको दिए? बोले व्यास देव को दिए। फिर व्यास देव किसको दिए? बोले श्री मध्वाचार्य को दिए। बोले मध्वाचार्य लक्ष्मीपति तीर्थ। फिर वही मंत्र सत्ययुग से ये गुरु परंपरा माध्यम से कहाँ तक आया? श्री चैतन्य महाप्रभु तक आया। फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, फिर जीव गोस्वामी, फिर उसी संप्रदाय में श्री प्रभुपाद आए, फिर उनका गुरुदेव, फिर उनका गुरुदेव से फिर हम लोग हैं। लेकिन ये मंत्र आया कहाँ से? जो अच्छे तरह से समझो, ये भगवान से ये मंत्र, ये गुरु परंपरा माध्यम से अभी तक ये मंत्र आया। अगर ये मंत्र कोई कोई जप करेगा तो उसको जरूर भगवान मिले। क्यों? ये मंत्र साक्षात भगवान से आए। जैसे कोई चीज़ बट रहा है, अगर आप प्रॉपर लाइन में खड़े हुए ना, एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगा। लेकिन अगर लाइन से कोई अलग अगर खड़े हुए, जिंदगी भर खड़े रह जाओगे, आपको माल मिलेगा नहीं। क्यों? आप लाइन से बेलाइन में खड़े हुए हो। इसलिए ये पद्म पुराण कहता है अगर कलयुग में किसको भगवत प्राप्ति करना है, ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय से मंत्र तुमको लेना पड़ेगा। अगर बहिर्भूत कहीं मंत्र लिया तुमको भगवान नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, ये भागवत की हमारे पद्म पुराण ये बात को कहता है। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय हैं। इसलिए इसी संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के हमें भगवान की हमें भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन ये कलयुग होने का नाते अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ नए नए लोग अपने आप मनमानी संप्रदाय बना दिए। और जिसमें मंत्र कहाँ से, दो तीन पीढ़ी को बाद में पहले पता ही नहीं कहाँ से आए, कोई गुरु परंपरा कुछ है ही नहीं, दो चार व्यक्ति आगे उसको आगे और कुछ ये परंपरा नहीं। फिर इन लोगों ने फिर क्या किया, अपना मनमानी ढंग से एक नया मंत्र कहाँ से निकाल दिया। शास्त्र में कहीं नहीं, शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं। जैसे हम लोग जो महामंत्र जप करते हैं, अब कलि संतरण उपनिषद को पढ़ो, अब नारद पुराण पढ़ो, शंकर जी पार्वती की क्या कहते देखो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती, बोले इति षोडशक नामनम कलि कल्म सनासन। ये जो सोल नाम जो 32 अक्षर पार्वती, कली का जो पाप को यही नाम ही हरण करेगा। बोले नाथ पर तो उपाय, और कोई उपाय नहीं, सर्व वेदेशु दृश्यते,
ये शंकर जी कहते हैं सब वेद में एक ही बात बताया, क्या है? यही कलयुग में जो महामंत्र जो 16 अक्षर जो मंत्र है, ये कलयुग में जीव को पाप को नष्ट करने वाले, ये कौन कह रहा है? ये कलि संतरण उपनिषद कह रहा है, ये नारद पुराण में बता हुआ, ब्रह्मांड पुराण में, कितने पुराण में ये महामंत्र लिखा हुआ, भविष्य पुराण में लिखा हुआ ये मंत्र है। कहते ये कलयुग में इसी नाम, लेकिन कुछ ऐसे नया संप्रदाय निकला, अपने मनमानी से कोई मंत्र निकाल दिया, कहीं कुछ नहीं, कई शास्त्र वास्त्र में कुछ है ही नहीं, अपना मनमानी। कहते भैया ये मंत्र जप करने से, शंकर जी कहते पार्वती भगवान नहीं मिलेंगे तुमको, क्यों? इसका कोई परंपरा व शास्त्र में नाम है नहीं। खैर कुछ संप्रदाय जिसमें एकादशी नहीं करते, एकादशी व्रत जिस संप्रदाय में नहीं करते हैं, कहते नहीं एकादशी का जो अन्न, श्री जी का जो अन्न प्रसाद है ना मुख्य है, लेकिन आप पुराण पढ़ कर देखो, कहते एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और पिता माता हत्या, ये 5 तरह का पाप एकादशी का दिन अन्न में रहता है। जो व्यक्ति एकादशी दिन अन्न भोजन करेगा, ये शास्त्र कह रहा है, हर पाप से तुमको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन नहीं करता है उसको कोई निष्कृत नहीं, ये शास्त्र कहता है, कोई निष्कृत नहीं। इसलिए भागवत पढ़ो, भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, व्यास देव का अंतिम कृत्य लास्ट ग्रंथ है, जिसको अम्बरीश महाराज का नाम अब सुनेंगे, सुने भी नहीं, जो एकादशी व्रत रखते थे दुर्वासा स्वयं शंकर जी का बता, तो स्वयं आए और एकादशी का दिन उन्होंने बोले आप स्नान करके आओ, व्रत दूसरे दिन खोलने के लिए उन्होंने जो व्रत किया आप लोग सुने होंगे, लेकिन एकादशी की इतने महिमा सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट होकर के दुर्वासा जो राक्षस को भेजा था उनको मारे, फिर दुर्वास का पीछा किया ब्रह्मलोक में शिवलोक में, ये वैकुंठ तक भी चले गए लेकिन सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ा। मतलब कहते जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखते हैं भगवान की सुदर्शन चक्र उसको हर समय में रक्षा करते हैं, ठाकुर सुदर्शन रक्षा करते हैं। और जिसको नंद जसोदा कौन है? भगवान की पिता माता, भगवान की पिता माता ये एकादशी व्रत रखते थे, चैतन्य महापुरुष रखते थे। आप अभी जो एकादशी आ रही है ना, आप देखोगे सबसे बड़ी एकादशी, इसका नाम है पांडवा निजला एकादशी, सबसे बड़ा एकादशी है, जिसको पंच पांडव रखते थे, माँ कुंती रखती थी, जिसको द्रौपदी रखती थी, ये जो सत्यभामा जो रुक्मिणी एकादशी व्रत रखती थी, इसलिए अगली जीवन में कृष्ण उनको पति रूप में मिले हैं। एकादशी एकादशी नहीं करते, कोई मतलब नहीं, कृष्ण का जन्माष्टमी नहीं, रामनवमी नहीं है, नरसिंह चतुर्दशी जो वैष्णव का जितने सब धर्म को पूरा फेंक दिए हैं, पूरा फेंक फांक करके और भगवान के प्रसाद भी खाते हैं बगैर तुलसी के प्रसाद खाते हैं, इसलिए ऐसे कुछ अपसंप्रदाय निकल गया। और वो क्या कर रहे हैं ना, भक्त लोगों को बहका रहे, बहका बहका करके जो शुद्ध वैष्णव लाइन में जो भक्त लोग आए उनको बहका कर दूसरे तरफ, ये लोग तो कुछ पता नहीं, ये शुद्ध भक्ति क्या कुछ बताया नहीं, वहाँ बह जाते शुद्ध भक्ति धारा को छोड़ करके उल्टा पुलटा, जिसमें कोई वैष्णव का कोई रीति नीति कुछ भी नहीं, जिसमें हैं बस उसमें बह करके उसको पीछे पीछे भागने लग जाते। इसलिए आप लोग सावधान रहना, शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, हमारी गुरु परंपरा जैसे किए, भगवान जो मार्ग दिखाए, ब्रह्मा जी नारद जो मार्ग दिखाए, हमें उसी मार्ग पर हमें चलनी चाहिए, मनमानी ढंग से हमें चलने से। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जह शास्त्र विधि मुत्सुर्ज वर्तते कामचारत न सह सिद्धि मापनोती नान्यथा निष्फल भवति। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने जो शास्त्र में जो विधि विधान को मैंने दिया है, ये विधि विधान को जो परित्याग करके वर्तते कामचारत अपना मनमानी ढंग से जो चलते हैं, न सुखम उसको जीवन में कोई सुख नहीं मिलता, न पराम गति उसको जीवन में कोई भी श्रेष्ठ गति उसको मिलेगी नहीं। आप बोले खूब राधे राधे करते हैं, देखने को मिलता है, बंगला में कभी जाओगे ना देखोगे वहाँ पर गला में कंठी तिलक उल्टा सब माछ मछली खाने, आप बोले खूब राधे राधे तो करते हैं। देखो ये पुराण कहता है, बोले श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना ऐकांति की हरि भक्ति उत्पात रे व केवल। मैंने कहा ये पुराण कह रहा है, देखो इसका मतलब समझो,
बोले श्रुति स्मृति जो पुराण में वेद में भागवत में जो विधान दिया है, अगर ये नियम को परित्याग करते हुए हैं वर्तते कामचारत, तद अगर कोई अपनी मनमानी ढंग से चलते हैं, उसमें कहते हैं बोले एकांत की हरि भक्ति दिखाई पड़ता है, खूब हरि भक्ति करते हैं भगवान की भक्ति राधे राधे, कहते उत्पात रेव केवल, वो उत्पात है, वो भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, शास्त्र मना करता है। इसलिए शास्त्र में जो बात हमें बताई गई भागवत में, हमारी गीता में, हमारे रामायण में, हमारे वेदों में, हमें वह मार्गों को हमें जीवन में अपनानी चाहिए। उल्टा सीधा रास्ता में जाएंगे तो जैसे कहते ना पहाड़ खोदते 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 देखा लास्ट में एक चूहा निकला, पूरा पहाड़ खोद दिए और क्या निकला उसमें, एक चूहा निकला। परिश्रम अथा परिश्रम होगा, देखा लास्ट में कुछ हाथ में आया नहीं, क्यों, कोई गुरु परंपरा नहीं, शास्त्र का कोई विधि विधान से चलते नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए हम अब लोग इस श्लोक को सिखाते हैं, कहते हम चाहते हैं आप कनिष्ठ नहीं मध्यम नहीं कौन सा भक्त बनो, उत्तम भक्त बनो। उत्तम भक्त मतलब शास्त्र सिद्धांत में पारंगत बनो, खुद भी बनो और दूसरा अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है युक्ति तर्क के द्वारा उसको बात को खंडन करके हमें शुद्ध भक्ति को जैसे हम स्थापन कर सके। ऐसे नहीं किसने कह दिया तेरे चोटी नहीं, देखा कि नहीं चोटी है कि नहीं, उसको पीछे भागो, उसको देखा ही नहीं चोटी है कि नहीं अपना, किसने बोल दिया तेरे चोटी नहीं, बस उसको भाग पीछे भागने लग गया, नहीं ऐसे नहीं, अपना हाथ लगाकर देखो तो चोटी है कि नहीं तुम्हारी, देखा नहीं और उसको पीछे पीछे भागते। इसलिए हमें एकदम पक्के भक्त बनना है, कच्चे भक्त नहीं बनना, ठीक है ना। इसलिए हम ये सब श्लोकों को वेद पुराण का श्लोकों को याद करा रहे हैं, ठीक है। बोलो तुम लोग बच्चियाँ लड़कियाँ बोलो कि किसको याद है, बोलो पराभक्ति प्रकाश, ठीक ठीक। और पर किसको याद है, हाँ बोलो, याद है तुम याद दिखाई बोलो, बाबा और देव में फंसते क्या, आज लेना जिसको पास में कॉपी नहीं, कॉपी यहाँ से कॉपी ले लेना, ठीक है। आज हमारे सुमित प्रभु ने कॉपी लाई, तुमने याद की, बोलो और कौन याद किया, बोलो बोलो, तुम याद किए बा, तुम याद किए हो, बोलो नहीं बोलो, तुम बोलो, तसे कथिता जगता, हाँ ठीक है, हाँ और कौन याद किया, बोलो बहुत आप लोग को धन्यवाद है। अब हम सब एक दूसरे ये सब वेदों का मंत्र है, ये सब उपनिषद
वेद का एक एक मंत्र है, इसलिए अगर एक दिन में एक एक श्लोक सीखोगे ना, एक महीना में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक महीना में 30, और साल में अगर ऐसे अगर तुम सीखते रहे ना एक साल में, अब सोच नहीं सकते इतने विद्वान बन जाओगे, सारे वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र को समझ जाओगे, भक्ति तो करोगे। अगर कहीं तुम्हारी शादी जो छोटी छोटी बच्ची की याद कर रहे हो, तुम कहीं शादी भी करके जाओगे ना, वहाँ भी भक्ति प्रचार करना सीख करते हैं, वहाँ भी भक्ति प्रचार करना हम यही चाहते हैं, हैं? इसलिए यहाँ भी याद करो, जब कहीं जाओगे इतने पक्के बनो, जहाँ जाओगे परिवार को बदलाना और दुनिया को भी भगवान की भक्ति में दुनिया को भी बदलना। और एक जो हमारी विशाखा दीदी ग्रेटर नोएडा में रहती है, बड़ी गुरु जी की शिष्या, वो एक कोर्स करवा रही जिसका नाम कृष्ण के और, इसलिए जितना हम लोग याद किए ना श्लोक बोले हो, आप उनका फ़ोन नंबर है आप लोगों के पास में, जिसको पास में है फ़ोन नंबर ले लेना, ठीक है, फ़ोन नंबर लेकर के उसमें जोड़ना, आप लोगों को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सिखाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कथा सिखाएंगे, फिर वो टेस्ट भी करेगी, एग्जाम भी करेगी, फिर उसमें मार्क भी देंगे, और जो बढ़िया मार्क आएगा तो उसको फ्री में घुमाने ले जाएंगे, उस जगह दर्शन कराने ले जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए अच्छे तरह से मतलब अगर बच्चे लोग अच्छे तरह से तुम भी जाते समय एक ये ले लेना, कॉपी एक ले जाना, ठीक है, डरना नहीं, अगर एक श्लोक को दो तीन दिन में भी याद, लेकिन तुम लोग तो अभी बच्चे हैं ना, अभी जल्दी जल्दी तुम्हारी याद हो जाएगी, जल्दी जल्दी याद हो जाएगी तुम लोग, ठीक है ना बच्चों, रोज़ रोज़ एक तक, इसका मतलब होता है कि जस्य देवे परा भक्ति, मतलब है यहाँ पर भी जो शिष्य भी तीन तरह का, अभी बता रहे थे ना भक्त भी तीन तरह का, यहाँ पर शिष्य भी बोले तीन तरह का, बोले कैसे, बोले एक साधारण शिष्य कनिष्ठ है, और एक मध्यम और एक उत्तम शिष्य, ये तीन तरह का भी ये शिष्य है। कहते जो जो कनिष्ठ शिष्य किसको कहते हैं, बोले कनिष्ठ शिष्य उससे कहते हैं जिसको आदेश देने पर बड़े श्रद्धा पूर्वक उसको जो पालन करता है, जब गुरुदेव आदेश दिए बड़े श्रद्धा पूर्वक इसको जो पालन करते गुरुदेव का आदेश है, इसको कहते हैं कनिष्ठ है। कहते मध्यम शिष्य किसको कहते हैं, बोले गुरुदेव बोलने से पहले, गुरुदेव बोलने से पहले जो भावना को समझ करके जो कर ले, इसको कहते हैं मध्यम है। जैसे आप लोगों ने भरत जी का नाम सुने भरत जी का रामायण में, एक दिन कहीं कहीं जा करके राम से बोले, बोले बेटा एक काम कर लोगे, बोले बताओ भैया, बोले ये कर लो, तुम भरत को बोल दो एक बार वो मेरे को माँ बोल, लेकिन वो मेरे को माँ नहीं बोल रहा है, वो कहते महारानी कैकेयी, इसलिए माँ उसको मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरा जी तड़प रहा है, एक बार माँ बोल दे, एक बार माँ शब्द सुनकर के अपना शरीर में त्याग दे दो, इतना करा दो। बोले भैया कोई चिंता नहीं। तब उन्होंने रामचंद्र भरत जी को बुलाया, बोले भरत एक आदेश पालन करोगे, बोले प्रभु अभी तक आप कभी मेरे को आदेश दिया ही नहीं, आप आदेश देने से पहले आपकी भावना को समझ करके मैं पहले ही कर देता था काम, लेकिन जीवन में पहला बार मेरे को कह रहे हो एक काम करोगे, बोले प्रभु जी आपका सारे आदेश को पालन करूँगा लेकिन एक आदेश पालन नहीं करूँगा। बोले कौन सा, बोले महारानी कैकेयी को कभी मैं माँ नहीं बोल सकता, मैं कभी माँ नहीं बोल सकता हूँ, ये शब्द कहीं क्यों, कहते ना जिनके राम ना प्रिय वैदेही तेजी और कोटि वैर समझ यद्यपि परम सने, क्योंकि उन्होंने राम सीता को उन्होंने वनवास दे दिया, बोले मेरे प्रभु को तुमने वनवास दे दिया, इसलिए उन्होंने जिंदगी भर के लिए माँ बोलना, उन्होंने कभी जिंदगी भर के लिए माँ नहीं बोला। कहते ये कौन है, कहते ये मध्यम भक्त। कहते उत्तम भक्त कौन है, कहते उत्तम भक्त उन्हें कहते हैं जो आदेश देने पर भी जो जोर करके सेवा करे। जैसे समझो बहुत ठंडी पड़ रहा है, पति कहीं बाहर जा रहा है किसी काम से, पत्नी ने कहा देखो बाहर ठंडी पड़ रहा है साथ में एक शॉल ले जाओ, अब दूर जा रहे हो टिफिन में मैं रोटी सब्जी दे देता हूँ ले जाना, क्यों कहीं भूख लगेगा तो कहाँ खाना खाओगे। लेकिन पति कह रहा है नहीं मैं चिंता मत करो मैं अभी अभी जाऊँगा काम खत्म करके जब आ जाऊँगा, लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती क्या करती हैं, बड़े सुंदर पराठा बना देती हैं अचार और सब्जी, बड़े सुंदर आलू गोभी की सब्जी, बड़े सुंदर टिफिन में पैकिंग करके हैं, पति मना कर रहे हैं लेकिन जोर जबरदस्ती दे दी, पति मना कर रहा है लेकिन बड़े सुंदर साल देखो बाहर ठंडा पड़ रहा है इसको ओढ़ लेना ठंडा, पति मना करता है अभी अभी आ जाऊँगा, लेकिन पत्नी
जोर जबरदस्त इसको डांट करके दे रही हैं। आप बताओ पति खुश होगा ना दुखी होगा? बोलो जोर से, खुश हो जाएगा, बोलेगा देखो मेरी पत्नी मेरे कितने ध्यान रखती है, मेरे कितने पत्नी ध्यान रखती हैं, इसलिए इनको कहते उत्तम सेवा। मतलब नहीं चाहने पर भी भगवान जो जोर जबरदस्ती भगवान की जो सेवा वा गुरु जी को भावना को समझ करके जो सेवा करती है उसको कहते ये उत्तम सेवक है। लेकिन एक अधम सेवक, बोले अधम किसको कहते हैं, बोले गुरु जी आदेश देने पर भी उसमें जो बहानाबाजी करते हैं, हैं? इसलिए एक को बताया भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है देखना जैसे भोरा गुनगुन गुनगुन करता है ना, जैसे गुरुदेव ने कहा बेटा ये काम कर दो जाओ, ये उसको बुला करके नहीं आप तो खबर ले आ, बोले गुरुदेव अगर जाओ को मिले नहीं तो फिर क्या होगा, हैं? गुरुदेव आदेश दे रहे हैं, लेकिन जैसे भोरा गुनगुन कर देना, बोले गुरुदेव इच्छा नहीं कर रहा है जाने के, इसलिए कहते जो गुरुदेव को बोलने पर भी जो आदेश को पालन नहीं करते हैं उसमें कहते हैं ये अधम सेवक है। इसलिए इसमें जो बताए कि जो जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, मतलब है जितना भगवान में तुम्हारी प्रीति है, जितने तुम भगवान को मानते हो, ठीक वैसे ही गुरुदेव को कम नहीं, गुरुदेव को ठीक वैसे ही जो मानते हैं जस्य देवे पराभक्ति, देवता मतलब भगवान में जैसे तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति है, बोले जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान के प्रति ऐसे तुम्हारी भावना गुरु के प्रति भी होनी चाहिए, कम नहीं। जो ऐसे कहते हो तो मध्यम है, लेकिन जो भगवान से भी गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं तद वो उत्तम भक्त है, वो उत्तम भक्त हैं। अगर ऐसे कोई अगर गुरु जी का प्रति भावना हो जैसे भगवान के प्रति ऐसे गुरु जी का प्रति, फिर क्या कहते हैं, बोले तसे से कथिता धरता प्रकाश अंत महात्मा, उसकी हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद है ये सब के सब उसका हृदय में स्फूर्ति हो जाता है, सब के सब स्फूर्ति हो जाता है, हैं? लेकिन गुरु जी को जो आदेश ही नहीं पालन करते हैं, आदेश ही नहीं पालन करते फिर क्या होगा, शास्त्र कहाँ से आएगा। इसलिए हमारी भागवत में आए आप लोग सुने होंगे जैसे कृष्ण सुदामा हैं, जब गुरु गृह में गए थे पढ़ने के लिए, गुरु जी ने बोले बेटे जाओ लकड़ी लेकर के आओ, सूखा लकड़ी ठाकुर जी को रसोई बनेगा। कृष्ण सुदामा जब गए, आंधी तूफान घनाघोर बारिश आ गई, ए चारों तरफ में पानी 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 दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचे कहाँ गड्ढा कहाँ ऊंचा कहाँ, और कृष्ण स्वयं कहते जिनकी एक इशारा पर कहता जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष पशु धात विभूति वर्णम, कहते जिनके एक इशारा होने पर एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं। आज वो प्रभु गुरु सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, सर पर लकड़ी की गठरी लेकर खड़े हुए, ठाकुर जी गठरी लेकर गुरु जी की सेवा के लिए खड़े हुए, लेकिन उसको नीचे नहीं रख ले, गीला हो जाएगा तो रसोई कैसे बनेगी। शाम हो गया जब नहीं आए कृष्ण और सुदामा, गुरु जी स्वयं लालटेन लेकर के आए, बोले सुदामा कृष्ण तुम कहाँ हो, बोले गुरु जी हम यहाँ पर, बोले वहाँ क्या कर रहे हैं, देखा गले तक पानी ठिठर रहे हैं लेकिन लकड़ी को नीचे नहीं रख दिया, हैं नीचे नहीं रख दिया, बोले बेटा लकड़ी को सर से नीचे रख दो, बोले गुरु जी गीले ही जाएगी, ठाकुर के लिए रसोई कैसे बनेगी। मतलब भगवान की सेवा के लिए कितने तत्पर है, जब उनको ये भावना देखे ना गुरुदेव संतुष्ट हो गए, सर पर हाथ रखे, बोले जाओ तुम्हारे हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद सब स्फूर्ति हो जाए और सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगा। देखो अभी भागवत में इनके नाम लिखा हुआ ना, हरे द्वार पालो कन्या से कर पे सुदामा दरित गरीब आ गया, देखो उनका नाम कैसे, क्यों, गुरु जी की कृपा से गुरु जी की सेवा से। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमने वा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जता, गुरु की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ कोई बार व्रत तपस्या के द्वारा इतना संतुष्ट मैं नहीं होता हूँ। इसलिए जो श्लोक है ना ये श्लोक बड़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए बहुत अच्छे श्लोक तुम लोगों ने याद किया हो, ठीक है, और आज जब जाओगे और एक श्लोक ले जाना प्रभु जी से और एक श्लोक ले कर जाना, ठीक है। हाँ तुम बोलना चाह रहे थे ना, आ जाओ चिराग तुम बोलोगे,
क्या रेडी होकर आए हो? हाँ हाँ, देख लेते हैं बच्चे इधर इधर आ जाए। और हमारे जो बच्चे लोग हैं तुम लोग भी कोशिश करना थोड़ी थोड़ी सीखने के लिए, ठीक है? थोड़ी थोड़ी सीखने के लिए देखो हम दुनिया की बहुत सारी बात बताते हैं। जब ये कृष्ण खुद अर्जुन कहते बोला अर्जुन जगत में सबसे मेरे प्यारा कौन है, ये कृष्ण कह रहे हैं। जगत में मैं सबसे किसको ज़्यादा प्यार मानता हूँ, बोले मेरे कथा को भक्ति को जो जगत में प्रचार करते हैं कहते वो सबसे मेरे प्यारा है, सबसे ज़्यादा उसको मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है? तुम लोगों की छोटी छोटी कथाएँ पढ़ के लगाना, बोलो उसको ध्यान कर दो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में धन्वत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथावृत धन्वत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की हम पे बहुत ही अधिक कृपा है, हम सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, हमें गुरु का जो आदेश देते हैं हमें वो सीखना चाहिए, जो बातें हमें सिखाते हैं हमें वो अपने जीवन में उतारनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। एक गांव में एक चोर रहता था जिसका बेटे की उम्र 16 साल थी। तो जब वो चोर बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को भी चोरी चकारी का काम सिखा दूं। तो उसने ये करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो कुछ ही दिनों में वो भी निपुण हो गए इस काम में, वो भी अच्छे से चोरी चकारी करना सीख गया। तो दोनों बाप बेटे आराम से चोरी करते और अपना पेट भरते, वो बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कुछ दिन बाद चोर ने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि देखो बेटा, कभी भी साधु संग नहीं करना और कभी भी कहीं भी कीर्तन हो रहा हो वहाँ तो बिल्कुल भी मत बैठना, और कहीं भी कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो वहाँ तो बिल्कुल भी खड़े मत होना, कानों में उंगली देकर वहाँ से भाग जाना, समझे? तो बेटा बोला कि हाँ पिताजी मैं समझ गया। तो कुछ दिन बाद बेटे ने सोचा क्यों ना मैं राजमहल में ही अपना हाथ साफ कर दूँ, क्यों ना मैं राजमहल में ही चोरी करूँ। तो कुछ दिनों बाद वो जैसे ही राजमहल में चोरी करने जा रहा था तो रास्ते में कुछ दूरी पर कुछ लोग एकत्रित हो रहे थे तो उसने सोचा कि ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। तो उस भीड़ में से एक आदमी आया तो उसने चोर ने पूछा उस आदमी से कि यहाँ पे इतने लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि वहाँ पे कोई महात्मा उपदेश दे रहे हैं। तो जैसे उसने ये सुना उसका तो माथा सनक गया, उसने सोचा कि इनका उपदेश नहीं सुनूंगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। तो वो अपने कानों में उंगली देकर यहाँ से भागने लगा। तो जैसे वो थोड़ी सी भीड़ के निकट पहुँचा तो उसका पैर एक ठोकर में लगा और वो गिर पड़ा। तब महात्मा उपदेश दे रहे थे कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जिसका नमक खाया उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और हमें ऐसा करने वाले को भगवान हमेशा सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ गई। जब उसे होश आया वो कानों में उंगली देकर दौड़ता हुआ राजमहल के पास पहुँचा। तो जो राजमहल का पहरेदार था उसने रोका, अरे रुको कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो उसे महात्मा की बात याद आई कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो आज सत्य बोल के ही देख लेता हूँ। तो उसने बोला कि चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो फिर जो पहरेदार बैठा था उसने बोला कि चलो ठीक है चले जाओ। उसने सोचा शायद कोई राजमहल का नौकर चाकर है मुझसे मजाक कर रहा है। तो चोर ने सत्य बोलकर राजमहल में प्रवेश कर लिया। तो जैसे ही वो राजमहल के अंदर गया, एक कमरे में गया, तो उसे वहाँ पे बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जेवर इत्यादि दिखे, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, उसका मन खुशी से झूम उठा। और उसने वो सारा धन, रुपया, पैसा वो सब थैले में भर लिया। तो जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे में गया तो उसे वहाँ पे जो कि रसोई घर था उसे वहाँ पे बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के खाना भोजन दिखा, तो जिसे देखकर उसके खाने की इच्छा हुई तो वो बैठकर खाने लगा। तो जैसे ही वो खा के वापस थैला लेके चलने लगा तो फिर से उसे महात्मा का उपदेश याद आया कि हमें जिसका नमक खाया उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैंने राजा का खाना खाया है और जिसमें नमक भी मिला हुआ था, तो हमें उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना
तो मैं उसके बारे में कोई बुरा नहीं सोचूंगा। तो वो वहीं पे थैला रख कर वापस जाने लगा। तो पहरेदार ने उससे पूछा कि क्या हुआ, चोरी नहीं की? तो उसने पहरेदार को बोला, देखो भाई मैंने राजा का नमक खाया है, तो जिसका नमक खाते हैं हमें उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए चोरी किया हुआ माल अपने साथ नहीं लाया, वहीं रसोई में पड़ा है। तो इतना कहकर वो चलने लगा। इतने में से रसोई में आवाज़ आने लगी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। तो पहरेदार ने उस चोर को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा के पूछे जाने पर चोर ने बताया कि एक महात्मा के द्वारा उपदेश दिए गए मुताबिक। पहरेदार ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ, पर मैंने आपका खाना भी खाया था जिसमें नमक मिला हुआ था, और हमने जिसका नमक खाया उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसी को लेकर मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाया। ये उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए, तो राजा ने उसे अपने दरबार में ही नौकरी दे दी। अब दूसरी साइड पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि बेटा राजमहल में नौकरी करने गया था, 4-5 दिन हो गए, कहीं बेटा पकड़ा तो नहीं गया, यह सोचकर वो दुखी हो रहे थे। तो जैसे ही 4-5 दिन बाद लड़का वापस घर आया, तो उसके पिताजी एकदम अचंभित रह गए उसको देखकर, कि क्योंकि लड़का अच्छे वस्त्रों में था। लड़के ने आते ही पूछा कि पिताजी आप तो कहते थे कि साधु संग नहीं करना चाहिए, कीर्तन में नहीं बैठना चाहिए, और महात्मा की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने महात्मा के दिए गए उपदेश के मुताबिक कार्य किया, और देखिए आज सच्चाई का फल, मुझे दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। तो जिस प्रकार उस चोर को अच्छी नौकरी मिल गई, उसने महात्मा के उपदेश के मुताबिक कार्य किया, तो इसी तरह हमें भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने मन को मैं तो करूँगा। गुरुदेव अब भोजन करने चले जाते हैं, भोजन करके जब
नवरात्रि होती है तो गुरुदेव लेटने के लिए आते हैं और कहते हैं आजा मेरे चरण तो दबा दे। शिष्य कहता है हाँ गुरुदेव, अंतिम समय में आपकी सेवा करते करते ही प्राण त्याग दूंगा। तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले हाँ चरण दबा। तो शिष्य चरण दबाने लगता है, गुरुदेव कहते हैं चरणों को छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य कहता है ठीक है गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊँगा। ये कहकर तीन बार ये कहकर गुरुदेव सो जाते हैं। अब शिष्य बड़े श्रद्धा से गुरु के चरण दबाने लगा। अब तांत्रिक को तो अपना श्राप सिद्ध करना था तो वो अपनी तंत्र विद्या शुरू करने लगा। रात्रि का प्रथम पैर हुआ तो वहाँ पर एक बड़ी सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में बहुत सारा खजाना हीरे जवाहरात। बोली पुत्र देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा खजाना लाई हूँ, आ जाओ इस खजाने को ले लो। शिष्य बोला माता मुझे चाहिए तो खजाना, पर अगर आपको देना है तो आप यहीं पर आ जाएं, मैं गुरु सेवा छोड़कर वहाँ पर नहीं आने वाला। अब वो देवी कहती है पुत्र मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। शिष्य बोला नहीं मैं गुरुदेव सेवा छोड़कर नहीं आऊँगा। तो वो वहाँ से चली जाती हैं। अब तांत्रिक घबरा जाता है कि ये तो आया ही नहीं। अब रात्रि का दूसरा पैर चलता है तो उस शिष्य की माँ आती है और द्वार पर बोलती है पुत्र देखो मैं तुम्हारी माता आई हूँ। शिष्य बड़ा खुश होता है, बोलता है माँ चलो अंतिम समय में आपके भी दर्शन हो गए मुझे, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। माँ बोलती है बेटा मैं बहुत दिनों बाद तुम्हारे से मिली हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। शिष्य बोलता है माँ हाँ मैं भी तुम्हारे से बहुत दिनों बाद मिला हूँ, गले तो मुझे भी लगना है, पर अगर तुम्हें गले मिलना है तो तुम यहीं पर आके मिल लो, मैं तो गुरु सेवा छोड़कर आने वाला वहाँ पर नहीं हूँ। अब ये माँ बहुत कहती है पर शिष्य नहीं आता तो माँ भी वहाँ से चली जाती है। अब तांत्रिक तो बड़ा घबरा जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो अब रात्रि का तीसरा पैर चलता है और यमदूत खड़ा एक बहुत भीषण रूप धारण करके यमदूत आता है, कहता है चल अब तेरा काल आ गया, चल अब मेरे साथ। कहता है काल आए चाहे कुछ भी आए मैं तो नहीं चलने वाला, मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, तुम्हें अगर मुझे ले जाना है तो यहीं से ही ले जाओ। काल भी वो भी बहुत प्रयास करता है पर शिष्य वहाँ से हिलता नहीं है। अब वो भी वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होती है तो चिड़िया चहचाने लगी सूरज भी निकल गया। अब गुरुदेव की नींद खुली और बोले अरे तू तो जिंदा है, तू तो 24 घंटे में मरने वाला था। शिष्य बोलता है गुरुदेव हाँ मैं 24 घंटे में तो मरने वाला था, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। अब शिष्य रात की सारी बात गुरुदेव को बताता है और सोचता है गुरुदेव आप धन्य है, और रोता रोता चरणों में लेट जाता है। बोलता है अब मुझे पता चला आपने क्यों कहा था कि चरणों को छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ मेरी मृत्यु तो आई थी रात, पर आपके कारण एक बार को वो भी चली गई। अर्थात अगर हमने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ रखा है और यदि हमारी मृत्यु भी आती है तो एक बार को वो भी वापिस चली जाती है। सतगुरुदेव का आश्रय करने से हम अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। जिसने चाह की हीरे की उसे हीरे मिल गए, और जिसने संग किया सतगुरुदेव का वो स्वयं हीरे बन गए। वांछा लब ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानम् ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय
राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांश नारायण गोस्वामी ति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम यापित करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। दो दिन से हम पर गुरुदेव की बहुत ही अहेतु की कृपा हो रही है, जिसके कारण हम सभी बच्चों को और बड़ों को भी श्लोक सीखने का अवसर मिल रहा है। तो जो परसों हमें श्लोक मिला था गुरु तत्व का पहला श्लोक, वह मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। तत्व विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पानी हश्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका अर्थ यह है कि तत्व विज्ञानार्थम हमें भगवत रूपी विज्ञान को जानने के लिए सगुरु मेवा भी गच्छेत हमें गुरु के पास जाना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि हमें किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए। समित पानी है हमें श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कैसे होने चाहिए, उनके क्या गुण होने चाहिए, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। दो गुण बताए गए हैं, श्रोत्रियम मतलब जो सभी शास्त्रों में निपुण हो, और केवल श्रोत्रियम ही नहीं वह ब्रह्मनिष्ठम भी हो। ब्रह्मनिष्ठम मतलब वह भगवत अनुभूति संपन्न हो। तो इसी प्रसंग में मैंने श्री गुरुदेव के मुखारविंद से एक कथा श्रवण की है जो कि मुझे लगता है वह इस श्लोक पर बिल्कुल फिट होती है, वह मैं आप सभी को सुनाने का प्रयास करती हूँ। एक शिष्य होता था जिसका नाम था उपमन्यु। वह बिल्कुल अनपढ़ था, उसे कुछ ऐसा पढ़ा लिखा नहीं आता था, तो उसे कोई भी श्लोक भी याद नहीं था। तो परंतु वह गुरुदेव के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा वो रखता था कि जैसा गुरुदेव बोल देते थे वह वैसा ही करता था। तो एक बार गुरुदेव ने सोचा क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूँ। तो गुरुदेव ने बुलाया, अरे उपमन्यु ज़रा इधर आओ। तो वह जाता है, जी गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले, उपमन्यु तुम खाते क्या हो ये बताओ। तो वह बोला, गुरुदेव आप सभी को प्रसाद खिलाने के बाद जो बच जाता है वह मैं खा लेता हूँ। गुरुदेव बोले, अरे वो तुम्हारे लिए थोड़ी है, वह तुम मत खाना, अगर हमारे कोई अतिथि आ गए हम उन्हें क्या खिलाएंगे फिर। तो वह बोला, ठीक है गुरुदेव। तो फिर उसने क्या किया, उसने फल फूल खाना शुरू कर दिया। तो फिर गुरुदेव ने दो चार दिन बाद देखा, अरे ये तो अभी बिल्कुल हट्टा खट्टा हष्ट पुष्ट है, अब क्या खा रहा है ऐसा। तो गुरुदेव ने फिर बुलाया, पूछा फिर उससे, अरे तुम अब क्या खा रहे हो। तो उसने शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव अब मैं फल फूल खा लेता हूँ, उससे मेरा पेट भर जाता है। तो गुरुदेव बोले, अच्छा अगर तुम फल फूल खा जाओगे तो पशु पक्षी क्या खाएंगे, तो वे तो भूखे मर जाएंगे अगर तुम ही खा जाओगे, तो तुम्हें नहीं खाना। तो वो बोला, ठीक है गुरुदेव। फिर उसने क्या किया, उसने घास खाना शुरू कर दिया। फिर गुरुदेव ने पूछा दो दिन बाद, अब तुम क्या खा रहे हो। तो वह बोला, गुरुदेव मैं घास खा लेता हूँ, उसी से मेरा पेट भर जाता है और पूरा दिन भी आराम से कट जाता है। तो फिर गुरुदेव बोले, अच्छा सारी घास तो तुम ही खा जाओगे, हमारी गैया क्या खाएंगी, तुम्हें नहीं खानी घास। तो वह बोला, ठीक है गुरुदेव। फिर उसने क्या किया, जैसे बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह से कुछ झाग निकलते हैं, उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। फिर गुरुदेव ने दो दिन बाद पूछा, अब तुम क्या खाते हो। बोला, गुरुदेव जब बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है उसके मुँह से कुछ झाग निकलते हैं, मैं उसी को चाट लेता हूँ, उसी से तृप्त हो जाता हूँ। तो गुरुदेव बोले, ऐसे तुम उसके झाग चाट जाओगे तो उसका तो पेट अच्छे से नहीं भरेगा, वह तो भूखा रह जाएगा, तुम्हें वो नहीं खाने। तो वह बोला, ठीक है गुरुदेव। एक दिन क्या होता है, वो गैया चराने के लिए जाता है लेके एक बाग में, तो वहाँ वो देखता है आँख का पेड़ होता है जिसमें से वाइट दूध निकलता है। तो वह उसे देखता है, तो जैसे वो पत्ता तोड़ता है तो देखता है ये क्या है, तो वो सोचता है कि ये दूध ही होगा, तो वह उसको चाट लेता है पत्तों में से तोड़ तोड़ के। तो जैसे वो उसे खा लेता है उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है। अब सभी गैया तो घास फूस खा के सब वापस आ जाती हैं, परंतु वह अंधा होने के कारण रास्ता भटक जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। तो शाम होती है, गुरुदेव पूछते हैं, अरे उपमन्यु नहीं दिखाई दे रहा, बहुत समय हो गया। तो सभी शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव गैया चराने के लिए गया था उपमन्यु तो।
परंतु सभी गाय तो वापस आ गई, उपमन्यु वापस नहीं आया। तो गुरुदेव को चिंता होती है और गुरुदेव फट से लालटेन उठा कर जाते हैं बाग की तरफ। तो जैसे उपमन्यु गड्ढे में गिर जाता है तो उपमन्यु जोर जोर से चिल्लाता है, गुरुदेव मुझे बचा लो, गुरुदेव मुझे बचा लो, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो गुरुदेव को उस गड्ढे की तरफ से आवाज़ आती है। तो जैसे गुरुदेव वहाँ जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उपमन्यु बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, गुरुदेव मुझे बचा लो, और वहीं बैठा बैठा भगवान का भी जप कर रहा है। तो गुरुदेव बोलते हैं, अरे उपमन्यु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह गुरुदेव को सारी बात बताता है कि गुरुदेव इस तरह मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं यहाँ गिर गया। तो गुरुदेव अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। फिर गुरुदेव जैसे ही उसकी आंखों को स्पर्श करते हैं उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, फिर वह दोनों वापस आ जाते हैं। तो अगले दिन जैसे ही गुरुदेव कथा करने के लिए आते हैं, गुरुदेव बोलते हैं आज कथा उपमन्यु कहेगा। तो सभी शिष्यों को पता होता है कि उपमन्यु तो अनपढ़ है, उसे तो ऐसा कोई श्लोक वगैरह याद नहीं, तो वो क्या कथा कहेगा? तो फिर गुरुदेव शिष्य से बोलते हैं, जाओ तुम उपमन्यु को बुला कर लाओ। तो उपमन्यु जैसे ही आता, गुरुदेव बोलते हैं उपमन्यु आज कथा तुम कहोगे। तो उपमन्यु बोलता है, गुरुदेव मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कोई श्लोक भी याद नहीं, तो मैं क्या कथा कहूँगा? गुरुदेव बोलते हैं, उपमन्यु तुम कथा कहना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे ही वो कथा कहनी शुरू करता है, वो इतने इतने मतलब बड़े बड़े श्लोक बोल देता है और गंभीर गंभीर ऐसी कथाएँ सुनाता है, सभी शिष्य सुनकर चकित रह जाते हैं। तो इसी तरह और मतलब वो इतना ज़्यादा श्रद्धावान होता है गुरुदेव के प्रति, इतना ज़्यादा, और जैसे गुरुदेव की भी उस पर इतनी ज़्यादा कृपा होती है कि गुरुदेव ने जैसे ही उसका स्पर्श किया उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। तो हम सब पर भी गुरुदेव इसी तरह अपनी कृपा का वर्धन करते रहें और गुरुदेव की सिखाई हुई बातों को हम अपने दोस्त और सभी संबंधियों में सभी को बताते रहें। इसी इच्छा के साथ पाँच छः कल्पतरु और बच्चों तुम लोग भी एक एक श्लोक को देख लेना, ठीक है? प्रभु जी एक श्लोक देंगे, उस श्लोक लेकर जाना और तुम लोग हो सके तो छोटे छोटे कथा याद करें बच्चों, ठीक है ना? और वो प्रभु जी श्लोक देंगे उस श्लोक को लिख कर जाएगा, ठीक है? हाँ देखो, और एक बात, अभी गंगा दशहरा आ रहा है, कब आ रहा है? 20 तारीख को। 20 तारीख को, इसलिए कोई ये बोल रहे कि चलो हम हरिद्वार में गंगा में नहा कर आते हैं, लेकिन कोई भी बोल रहे थे बहुत दूर है करुणा हरियाणी, कोई बोल रहे थे नहीं तो यहाँ क्यों, क्या शुक्रताल है, गड़गंगा भी है, गड़गंगा ऐसे करीब 120 के आसपास। 120? हाँ। शुक्रताल कितना? कितना शुक्रताल? नहीं 80 है पूरा। आप लोग जाना चाहते हो? अगर आप लोग जाना चाहोगे तो एक बस लेकर के जो सबसे पास में होगा वहीं पर जाएंगे। और उस दिन का बड़ा महत्व है, गंगा दशहरा है, गंगा के प्रकट देव है, उस दिन स्नान करने का गंगा का बड़ा महत्व है, किसी तीर्थ स्थान पर जा करके जैसे गंगा ज्ञान तो रहेंगे, ज्ञान दे रहे, लेकिन कोई विशेष तीर्थ स्थान पर जा करके गंगा में नहाने का विशेष महत्व है। अगर आप सबकी अगर इच्छा हो फिर हम बुलाने करेंगे और एक बस लेकर के आएंगे जो नजदीक हो और दर्शन करते हुए गंगा में नहा करके वापस आ जाएंगे। बड़े बड़े संतों का है हमारे संप्रदाय में, बड़े बड़े संतों का तिथि है, बहुत अच्छी तिथि। अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो आप लोगों को बोलना, फिर हम लोग प्रोग्राम बनाए, ठीक है? बोला हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।